हाँ तो सही तो कह रहे हैं, पापा जो सेविंग छोड़ के गए हैं वो खत्म होती जा रही है। जो मैं कर रहा हूँ ना वो पोएटिक है, क्रिएटिव है। तू चल ले, तू तो सीए कर रहा है। अब सना तो मुसलमान ही हुआ ना, हाँ? सरनपट्टी की फेस्टिवल पे भी देखा था कि इस बार उनका थीम जो है वो होम है, तो जैसे मैंने सुना होम है तो मुझे लगा कि ये नाटक एग्जैक्टली सूट कर रहा है इस थीम में जो मैंने लिखा है। मेरा नाम निकेतन शर्मा है और मैं राइटर हूँ, एक्टर हूँ और मैं नाटक डायरेक्ट करता हूँ। कि मुझे एक कहानी आई फोटोकॉपी की, एक सीड आया था, उसके बाद मैं जब उस पर काम कर रहा तो मुझे लगा कि ये चार कैरेक्टर है जो शायद ज़रूरत है मुझे इनकी पूरी कहानी कहने की। कुछ नाटक में या किसी भी आर्ट फॉर्म में मैं रियलिज्म की बजाय कुछ एब्सर्डिटी एक्सप्लोर करना चाह रहा था। कहानी इंडिया की है बट सी कहानी क्या है ना, ये प्लॉट ड्रिवन से ज़्यादा मेरे हिसाब से कैरेक्टर ड्रिवन कहानी है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है नाटक में जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल या फिर क्लास पे और सिस्टम पे सवाल कर रही है। तो नाटक में भी जैसे एक लाइन है कि तो जैसे बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, तो बड़ा भाई उससे बोलता है छोटे को कि भाई देश भी तो है, तो छोटा भाई बोलता है कि भाई सबने अपने अपने घर संभाल लिए ना तो देश अपने आप संभाल जाएगा। अब कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया कोलिक्वल है, जैसे हम बात करते हैं ना, पहले बहुत मुझे किताबी लगता था या उस तरह से पहले बात होती है, आजकल कोई नाटक में या सिनेमा में इस तरह से बात होती नहीं, तो मेरे लिए वहीं पे वो हाइपर रियलिज्म मिल रहा है मेरे को। अगर मैं बोलूँ एक लाइन में तो वो चारों जो कैरेक्टर है ना एक 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 बिंदु ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके आसपास ही घूमे जा रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली उस बिंदु पे पहुंच नहीं रहे।